यो व्हाट इज अप गाइस। तो यार मैं स्वादी डूड, वेलकम यू टू अनदर वीडियो। तो तुम्हें थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो होने वाली है एपिक लेजेंड्स मोबाइल के ई-स्पोर्ट फ्यूचर को लेके। तो इस वीडियो में मैं कुछ भी हवा में बातें नहीं करने वाला, मैं तुम्हारे सामने फैक्ट्स रखूँगा और उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा। किसी भी गेम का ई-स्पोर्ट फ्यूचर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहला ऑडियंस बेस और दूसरा वो कंपनी जिसने उस गेम को बनाया है। यार सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑडियंस बेस के बारे में। तो एक महीने पहले जो हांगकांग वाला बीटा वर्जन आया था एपेक्स मोबाइल का, तो उसके एक ही दिन में 1 लाख से ऊपर डाउनलोड हो चुके थे। तो भाई तुमने शायद ही कोई ऐसा गेम का बीटा वर्जन देखा भाई जिसको लेके बंदे इतने ज़्यादा क्रेज में हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि यार जो इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स है और जो रिस्पॉन है उसने अभी तक गेम की मार्केटिंग नहीं की है, क्योंकि गेम की मार्केटिंग भाई तभी शुरू करेंगे जब गेम लॉन्च होने वाला होगा। तो ऐसे में देखो, जब तुमको पता होगा एपेक्स लेजेंड्स जो रिलीज हुआ था 2019 में, तो उसमें भाई इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने जो निंजा है वो वर्ल्ड फेमस स्ट्रीमर, उसको 7 करोड़ रुपए की एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट है, इतने रुपए दिए थे कि उसको एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल को स्ट्रीम करें। तो भाई तुम देख ही सकते हो कि एपेक्स लेजेंड्स भाई कितने ज़्यादा इन्वेस्ट करता अपनी मार्केटिंग को लेकर। और भाई मार्केटिंग को चलो एक तरफ रखते हैं, जो अपने इंडियन स्ट्रीम में से लाइक मैं तुम्हें शेकआउट का एग्जाम्पल दूंगा, तो उसने अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा कि वो डेफिनेटली खेलने वाला है एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल को। तो भाई बंदे पर है कि वो बंदे उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं, लेकिन भाई ऑब्वियसली सपोर्ट तो मिलना ही है क्योंकि गेम ही भाई एक बहुत बड़े टाइटल का मोबाइल वर्जन है। तो यार अब बात करते हैं टूर्नामेंट स्पॉन्सर के बारे में। अब लाइक तुमको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि जो पबजी मोबाइल था तो उसके जो सिटी टूर्नामेंट होते थे या जो चैंपियनशिप होती थी उनमें तुमको देखा होगा वो ज़्यादातर वीवो ही स्पॉन्सर करता था, क्योंकि भाई वीवो एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो अब मैं तुमको समझाता हूँ एपेक्स लेजेंड्स के बारे में। अब देखो, जो उसकी चैंपियनशिप होती है तुमको वहाँ पर लिखा हुआ देखा हो, तुमने शायद कभी नोट किया हो तो, लेजियन बाय लिनोवो। तो लेजियन एक भाई लैपटॉप है जो लिनोवो बनाती है। तो भाई तुम देख सकते हो कि जो एपेक्स लेजेंड्स की टूर्नामेंट के पीछे भी भाई एक बहुत बड़ी कंपनी का हाथ है। तो भाई देखो, स्पॉन्सर की कमी दोनों को नहीं होने वाली है, ना तो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल को स्पॉन्सर की कमी होने वाली है, ना पबजी मोबाइल को। तो ईए का तुमको पता होगा कि जो ई-स्पोर्ट्स को लेके भाई बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती है, टाइम टाइम पर टूर्नामेंट्स होती है, जो सिटी टूर्नामेंट्स होती है वो भी, और जो रीजनल होगी या चैंपियनशिप वगैरह होगी वो सभी टाइम टू टाइम पर होती है, कोई डिले वगैरह नहीं होता। और यही सेम केस एपेक्स मोबाइल के साथ भी होने वाला है, एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल की भी भाई टूर्नामेंट टाइम टू टाइम पे होगी, उनमें कोई भी डिले हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो भाई जो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल का ई-स्पोर्ट है भाई उसका एक ब्राइट फ्यूचर है। भले ही पबजी मोबाइल ने भाई इंडिया में ई-स्पोर्ट्स के दरवाजे खोले हैं, उसने एक शुरुआत की है, लेकिन अब जो ई-स्पोर्ट्स को आगे एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम करेगा वो होगा एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में मैं देखो शॉर्ट में समझाया मैंने, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता था, क्योंकि इस टॉपिक पे भाई ज़्यादा बात करने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें शॉर्ट्स में भी समझाई जा सकती हैं। तो यार उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो यार कर दिया करो यार लाइक, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, वीडियो को कर देना लाइक। तो यार मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा गुड बाय।